Recently you have gone through on exercise 7.2 and today we are going to start exercise 7.3. तो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो स्टूडेंट्स बिफोर दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू आर अवेयर ऑफ टू फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. एक तो आपको ये पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है. दूसरा क्या पता है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, हीरोन्स फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. ये दो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, ठीक है. आज हम एक नया एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होता है, कि ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ठीक है. तो हम दोनों बात करेंगे क्या होएगा और कैसे होएगा. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ मैं यहाँ पर. एक ट्राइंगल ले ली मैंने ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वन वाई वन, ये हो गया एक्स टू वाई टू एंड ये एक्स थ्री वाई. तो आज हम एक नया फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं जो कि एक्चुअल में क्या होता है, एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस में एक्स टू इंटू में वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस में एक्स थ्री इंटू में वाई वन माइनस वाई टू. एरिया ऑफ ट्राइंगल ये नया बनकर आएगा. क्या होता है देखो, काउंटिंग सिस्टम से चल रही है, एक्स वन वन टू थ्री, एक्स टू टू थ्री वन, फिर एक्स थ्री या तो थ्री के बाद वापस वन और टू, ठीक है. ये ऑर्डर है इसका और इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ पर. तो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं, कुछ ज्वाइन कर लिया इधर और ये यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया हमने क्यू आर और ये पी ओ, ठीक है. तो यहाँ से देखिए ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये वाला सिर्फ मुझे ये निकालना है. मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देखिए अगर इस क्वाड्रिलेटरल लिखती हूँ देता हूँ ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी प्लस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी आर सी और माइनस में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू आर सी. चेक करो क्या यहाँ से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा. देखो मुझे सिर्फ ये एरिया निकालना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ए बी क्यू ए बी क्यू बी ये क्वाड्रिलेटरल प्लस में ए पी आर सी, ए पी आर सी ये क्वाड्रिलेटरल और माइनस में बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी मतलब इन दोनों को जोड़ के अगर मैं ये वाला क्वाड्रिलेटरल माइनस करूँ तो ऊपर वाला हिस्सा बचेगा और वो क्या ट्राइंगल. बात समझ आई भाई? यस भाई. ये क्वाड्रिलेटरल प्लस ये क्वाड्रिलेटरल और माइनस ये वाला क्वाड्रिलेटरल तो वाला ही ट्राइंगल बचा, ठीक है. तो फोन करते हैं इसको. ये कोऑर्डिनेट की शेप क्या है यहाँ से देखो, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी ये वाली शेप है. कैसी शेप बन गई है? ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम बन गई है, वेरी गुड. और ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ इनटू ए प्लस बी इनटू एच, हाफ इनटू ए प्लस बी मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट. तो दिस इज अ ट्रेपीजियम. तो फॉर्मूला लगाओ यहां पर, हाफ इनटू ए बी क्यू पी की पैरेलल साइड देखो कौन कौन सी, एक तो बी क्यू है और एक ए पी है, पैरेलल साइड सी बन रही है, यानी कि बी क्यू प्लस में ए पी और इनटू में हाइट. इसकी हाइट क्या बनेगी भाई, ये 90 डिग्री होता है यहाँ, तो ये ट्रेपीजियम है, यहाँ तक जाएगी हाइट क्यू पी, ठीक है. अब ए पी आर सी की बात करेंगे हम, ए पी आर सी अगेन ट्रेपीजियम, पैरेलल साइड कौन कौन सी, ए पी और सी आर, तो हाफ इंटू में ए पी प्लस में सी आर और इंटू में हाइट क्या बन जाएगी इसकी, ये वाली पी आर, ठीक है. माइनस क्या करना है, बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी का एरिया निकालना है. कोई ट्रेपीजियम कंसिडर कर सकते हैं हम इसको, एरिया तो वैसे निकलेगा, ये दोनों पैरेलल साइड्स होगी और ये हाइट होगी, तो लगा दो यहाँ पर हाफ इंटू में बी क्यू प्लस में सी आर और इंटू में हाइट क्या बन जाएगी क्यू आर, ये पूरी हाइट, ठीक है. तो ये पुट कर दिया, कंक्लूजन से समझो इसको डायरेक्टली कि हम कैसे निकाल पा रहे हैं, दिस एरिया प्लस दिस एरिया और माइनस में ये एरिया, बस आप इनकी वैल्यूज पुट कर दिए और आपका आंसर ये बन जाना चाहिए. तो यहाँ से देखो भाई वैल्यूज पुट करो, हाफ तो कॉमन ले लो क्योंकि सारे में हाफ है, तो हाफ कॉमन निकाल दिया हमने. बी क्यू देखो क्या हमने, बी क्यू क्या वैल्यू बनेगी, बी क्यू वाई टू, ठीक है ना. बी क्यू देखो यहाँ से क्या बनना है, एक्स टू वाई टू, अगर y एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं तो वो किसकी वैल्यू मानी जाएगी, y y एक्सिस की मानी जाएगी ना. तो बी क्यू तो है आपका वाई टू, ए पी देखो क्या है, ए पी इसमें भी ये भी y के पैरेलल और y कितना है, y वन, तो ये बना y वन भाई,
क्यू पी के ऊपर आ जाओ, क्यू पी ये रहा, अब एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पी के ऊपर एक्स एक्सिस क्या है, एक्स वन है और इधर क्या है एक्स टू है, तो यानी ये तो ये क्यू पी डिस्टेंस देखो यहाँ से तो एक्स वन है और ये एक्स टू है, तो क्या बनाइए एक्स वन माइनस एक्स टू, तो यहाँ पुट कर दो एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है प्लस में हाफ तो बाहर जा चुका। ए पी की वैल्यू देखो भाई क्या है, ए पी वही है वाई वन यहाँ भी पुट की थी वाई वन, प्लस में सी आर चेक करो क्या है, सी आर क्या बनेगा y एक्सिस के पैरेलल है और y का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर y3, तो ये बना y3। पी आर के ऊपर आ जाओ, अब पी आर यानी कि ये x के ऊपर है तो जब ये वाला x x1 माइनस x2 बन रहा है तो ये क्या बना है x3 माइनस x1, तो ये बना x3 माइनस x1, ठीक है माइनस में हाफ बाहर है। बी क्यू के ऊपर आओ, बी क्यू क्या है यहाँ पर बी क्यू की वैल्यू तो हम पुट कर चुके वाई टू है, प्लस में सी आर देखो सी आर कहीं आ चुका ना ये डाल वाई थ्री इंटू में क्यू आर के ऊपर आ जाओ, क्यू आर ये पूरा तो आर के ऊपर ये एक्स थ्री है और इधर एक्स टू है तो क्या बन जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स, तो ये वैल्यूज पुट कर दिए मैंने यहाँ पर, अब तो बस सिंप्लीफाई करना काम रह गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो हाफ इंटू में ये देखो एक्स वन वाई टू हो जाएगा प्लस में x1 y1 फिर x2 के साथ करेंगे माइनस x2 y2 और माइनस में x2 y1, इधर आ जाओ x3 y1 प्लस में x3 y3 माइनस में x1 y1 और माइनस में x1 y3, इस पर आ जाओ मल्टीप्लाई करो अंदर x3 y2 माइनस प्लस माइनस हो गई x3 y3, यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस x2 y2 और ये माइनस प्लस माइनस ये बना माइनस और ये भी माइनस आ गया प्लस आ गया x2 y2, ये बन गया जहां पर जो कटे वो काट दो बाकी सिंप्लीफाई करके लिख दो। देखो हाफ इंटू x1 वाले देख लो पहले x1 वाले कहां पर है, x1 y2 ये रहा x1 y1 जो सेम बन रहा है वो देखो x1 y1 प्लस x1 y1 माइनस पेंसिल आउट, ठीक है x2 y2 देखो यहाँ पर माइनस है x2 y2 यहाँ पर प्लस है तो ये कैंसिल आउट हुई, ठीक है और आ जाओ सेम वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं यानी कि x3 y3 प्लस है x3 y3 माइनस है तो कैंसिल आउट, ठीक है जो बच गए वो लिख दो। x1 कॉमन निकाल दो, एक तो x1 यहाँ पर है और x1 चेक करो कहाँ है ये रहा, तो x1 अगर कॉमन तो ये क्या बचा y2 माइनस y3, ठीक है अब x2 कॉमन निकाल दो जहां जहां पर आ रहा है, एक तो ये रहा x2 और कहां पर x2 चेक करो लास्ट में, तो x2 कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या बन रहा है y3 माइनस y1, x1 आ चुका x2 आ चुका अब क्या आएगा x3, x3 कॉमन निकालो एक तो इधर है और एक इधर है x3 ये रहा, तो x3 कॉमन निकाल लिया क्या बचाया सिर्फ y1 माइनस y2, तो ये चेक करो ये आपका फॉर्मूला था हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस में एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस में एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, तो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस टाइप से आता है नोटबुक में डेफिनेटली लिखना है, ये याद करने का तरीका देखो क्या है कैसे रहेगा सीक्वेंस में चल रहा है तीन ही नंबर आपके पास भाई है तो इनकी सीक्वेंस का क्या बन सकती है एक तो यही है फिर क्या बनेगी टू थ्री वन और क्या बन सकती है वन थ्री टू, तो ये तो लिखा हुआ है वन टू थ्री हो गया टू थ्री वन हो गया और फिर थ्री वन टू है, हाँ तो सीक्वेंस में चल रहा है थ्री वन टू ऑर्डर सेम रहना चाहिए सीक्वेंस वन टू थ्री वन और फिर थ्री वन, तो ये बन गया तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी बन गया। अब इसके ऊपर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो क्या क्या बन सकते हैं, तो अब आपको तीन फॉर्मूले आ चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के वन टू और तीसरा ये तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है तो देखिए टाइप क्या क्या बन सकती है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन की जब आपको तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हो मतलब ये तीनों एक्स वन वाई वन पता एक्स टू वाई टू पता है और एक्स थ्री वाई थ्री पता है तो क्या करना है सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। सेकंड टाइप क्या बन जाती है इसके अंदर टू चेक कोलिनियर, भाई कोलिनियर है या नहीं, तो कोलिनियर क्या होता है कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के ऊपर जो लाइन करे जैसे ये ए बी और ये सी
तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर अगर लाई करते तो वो कभी भी एक ट्राइंगल नहीं बनाते, ठीक है। पॉलिनियर की कंडीशन क्या बनेगी, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बन जाएगा, जीरो। मतलब अगर पॉलिनियर चेक करना हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दो ही टाइप बनेगी इसके अंदर। अभी स्टार्ट करते एक्सरसाइज, पोज डब्ल्यू दोनों के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट है जिसमें, तो सेकंड पार्ट उठा लिया मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई। तो एक्स वन पुट करो यहाँ पर माइनस फाइव, वाई टू क्या है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो वाई टू आपको माइनस फाइव साइन का ध्यान रख देना यहाँ पर, और वाई थ्री क्या है टू, ठीक है। एक्स थ्री वाई थ्री प्लस में एक्स टू है आपका थ्री इंटू में वाई थ्री है टू, और वाई वन क्या है माइनस का ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। प्लस में एक्स थ्री आपका फाइव वाई वन यानी कि माइनस वन, और माइनस में वाई टू, और वो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का फाइव हो जाएगा, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर देना है, ये हो रहा माइनस फाइव इंटू में माइनस टू क्या हो रहा है माइनस सेवन, तो डायरेक्टली टू प्लस का थर्टी फाइव, ठीक है ना। ये माइनस फाइव और ये माइनस सेवन प्लस का थर्टी फाइव, यहाँ पर टू और वन थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, ये बचा फोर और फाइव जा ट्वेंटी। तो सॉरी कर दो अभी इसको कितना बनाइए, सिक्सटी फोर फोर्टी फोर और ट्वेंटी सिक्सटी फोर, तो क्या बचा थर्टी टू स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, जो भी यूनिट होगी उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एरिया, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर टू भी स्टेटमेंट पढ़िए क्या है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बोला गया कि ये कोलिनियर है, ठीक है। पॉइंट्स गिवन है और बोला गया स्टेटमेंट में देखो क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसके लिए पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। और मैंने अभी बताया आपको अगर पॉइंट्स कोलिनियर है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा जीरो, ठीक है। तो अप्लाई करो यहाँ पर हाफ इंटू ये हो गया आपके एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। फॉर्मूला एक परमानेंटली लिख देते हैं हम लोग, उसके लिए नहीं करवा, तो बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। हम हाफ इंटू में एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस में एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस में एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, तो लगाओ यहाँ पर पॉलिनियर गिवन है इसके अंदर, अगर पॉलिनियर है तो इसका मतलब ये कहा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल है। तो अप्लाई करो यहाँ से हाफ इंटू में एक्स वन है आपका एट, वाई टू क्या है माइनस फोर, माइनस में वाई थ्री क्या है माइनस फाइव, तो प्लस बन जाएगा ये। प्लस में एक्स टू क्या है थ्री इंटू में वाई थ्री की वैल्यू माइनस फाइव, माइनस वाई वन है आपका वाई वन बनी है ये बना। प्लस में एक्स थ्री चेक करो क्या है टू, वाई वन क्या है वन, और वाई टू की वैल्यू क्या है माइनस फोर, तो माइनस माइनस क्या बना दी उसको प्लस। और ये सारा क्राइटेरिया किसके इक्वल है जीरो पे इक्वल है, बिकॉज दिस इज कोलिनियर, और कोलिनियर है तो किसके इक्वल रहेगा जीरो पे, तो ये इक्वल टू जीरो है बिकॉज दिस इज कोलिनियर। तो ये देखो पहले तो इसको वहाँ भेज दो, डिवाइड में टू है क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में अगर जीरो बन गया टू इंटू जीरो जीरो, तो ये टू गया आपका अंदर वाले को सोल्व करो आप, ये क्या बचा वन बचा वन इंटू एट, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस फाइव के, ठीक है। और ये क्या है माइनस का के, ठीक है। यहाँ से क्या बना फोर और वन फाइव इंटू में टू अगर टू से टेन स्क्वायर टू जीरो, तो यहाँ से सोल्व करेंगे के की वैल्यू जो फाइंड आउट कर ली, तो ये बना एट माइनस सिक्स के प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि फोर्टीन सॉरी एटीन माइनस सिक्स के इज इक्वल टू जीरो, तो एटीन प्लस का बन जाएगा ना के इज इक्वल टू थ्री आ गया, एटीन इज इक्वल टू सिक्स के, और सिक्स डिवाइड में के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पहला और दूसरा पार्ट सेम है तो हमने ये सेकेंड पार्ट सॉल्व किया। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, पॉज द वीडियो नोट इट। क्वेश्चन नंबर थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है इसके अंदर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फाइंड आउट करना है फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। सो कैसे कि कैसे फॉर्म किया गया है,
लीड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल को ज्वाइन करके किया गया है जिसके वर्टिसेस ये है, मतलब फिगर ड्रॉ कर लो पहले। वर्टिसेस आपको गिवन है ए बी सी, मैंने ट्रायंगल ले लिया यहाँ पर, इनको नाम दे दिया। ए है आपका 0, -1, बी है 2, 1 और सी जो है वो है 0, 3। तो देखो इसमें दो काम करने हैं आपको, एक तो इसने बोला ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट, एक तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए पार्ट ये बनेगा, ठीक है, मतलब ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं ये तीन। तो जब ये मिड पॉइंट निकलेंगे यहाँ पर तो ये ट्रायंगल बनाएगा, तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एरिया फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है फिर, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल कौन सा है एबीसी, मतलब क्या करना है एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है, फिर जो यहाँ पर मिड पॉइंट आएंगे उनका एरिया फाइंड आउट करना है, और फिर क्या करना है उनका रेशियो निकालना है। तो मिड पॉइंट निकाल दो यहाँ पर, पहले तो x1 y1 x2 y2, तो x1 + x2 0 बना, कॉमा -1 + 3 y2, रफली सॉल्व करके दिखा देता हूँ, यही करूँगा बाकी तुम देखो क्या फॉर्मूला। x1 + x2 y2, तो ये तो 0 ही बन गया, दिस प्लस दिस बाय -1 + 3 y2, यानी क्या आ गया मनी आ गया, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे इस पॉइंट के, 0, 1, ऐसे इन दोनों पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, 0 + 2 / 2 यानी 1, कॉमा -1 + 1 0 ही बन गए। अब इसके निकालो 2 + 0 / 2 यानी कि 1 और 3 + 1 / 2 यानी कि 2 आ गया, 4/2। तो अब आपके पास दो ट्राइंगल बनती है, ठीक है, 1, 2, 3 तीन कोऑर्डिनेट, 1, 2, 3 कोऑर्डिनेट, दोनों का एरिया निकालना है और फिर दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले तो ये फॉर्मूला किसके ऊपर लगाए, इन बाहर वाले तो लगाओ हाफ इंटू में x1 y1 ये ले लिया मैंने, x2 y2 ये हो गया आपका, ये लिख लिया अगर साथ ही साथ सॉल्व करने में इजी रहेगा, देखना नहीं पड़ेगा x1 क्या x2 क्या। तो याद रखिए x1 है आपका 0, y2 क्या है 1, y3 3, x2 की वैल्यू क्या है 2, x3 आपका 3 और y1 क्या है -1, तो -1 + 1, ठीक है। प्लस में x3 की वैल्यू क्या है 0 और इनटू में y1 - y2, तो y1 है -1 और y2 क्या है 1, ये तो देखो 0 × something 0, 0 × something 0, ये तो कैंसिल ही हो गया। आपके पास बचा हाफ इंटू में 3 + 1 = 4 × 8, तो क्या आ गया ये 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। किसका एरिया निकाला हमने, ये बड़ी ट्राइंगल का, ठीक है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ दीज थ्री कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब x1 y1 ये है आपका, x2 y2 ये है और x3 y3, तो इसके ऊपर लगाओगे फॉर्मूला क्या बना, देखो हाफ इंटू में x1 0 × y2 - y3, तो y2 भी 0 और y3 2, प्लस में x2 क्या है 1, y3 - y1, तो y3 है 2 और y1 है 1, ठीक है। प्लस में x3 चेक करो क्या है, चेक कर लेना कभी इनको मिक्स कर दो, इनको इरेज कर देता हूँ मैं, x1 y1 आपके इनका काम हो गया, ठीक है। चेक कर लो ठीक किया गया, हाँ जी लास्ट पे आ जाओ, x3 कितना है 1 और y1 कितना है 1 -y2 कितना है 0, चेक कर लो ठीक से, की वैल्यू 1 थी ठीक है, y3 कितना है 2 है ठीक है और y1 कितना है 1, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको हाफ इंटू में, ये तो 0 ही बन गया, 0 × something 0, 2 में से बन गया 1, ये बना 1 और ये भी क्या बना 1, यानी कि हाफ इंटू में कितना आ गया 2 और 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया 1 स्क्वायर। तो दो ट्राइंगल थे दोनों का एरिया निकाल दिया हमने, अब रेशियो निकालना किस किस का, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। दिस एरिया मतलब क्या है, ये दिस एरिया, दिस एरिया वो मिड पॉइंट वाला है जो ये मिड पॉइंट से अभी निकाल, इसका एरिया इसके रेशो किसके साथ टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, और गिवन ट्राइंगल का एरिया क्या है ये, इसका रेशो इसके साथ निकालने का क्या मतलब, 1/4 और 1/4 मतलब 1:4, ये
क्वाड्रिलेटरल, अब एक क्वाड्रिलेटरल है उस वर्टिसेस आर टेकन इन क्वार्टर, इसके वर्टिसेस क्वार्टर में लिए गए हैं और आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लो यहाँ से वर्टिसेस क्वार्टर में, तो ए की क्या है माइनस फोर माइनस टू, बी के यहाँ पे माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव, सी के हैं थ्री कॉमा माइनस टू और डी के जो है टू कॉमा थ्री, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए सी को ज्वाइन कर दो, हमारा कुछ माइंड में ये ट्राइंगल बन गई, ये ट्राइंगल बन गई, तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या बन जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालो और दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, बाय ट्राइंगल फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीनों कोऑर्डिनेट पता है और ऊपर वाले में भी वन टू थ्री तीनों कोऑर्डिनेट पता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दोनों का ऐड कर दो, इस टाइप से हो जाएगा ना। तो ये कितना आया भाई यहाँ से 24 माइनस में
36 हो गए, ठीक है, यानी कितना बचा, -12 / -2, ये बचा ना, तो क्या आ गया, -6 आ गया। और क्या एरिया नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो नेगेटिव साइन हम छोड़ देंगे और 6 स्क्वायर यूनिट कंसीडर कर, ठीक है ना, नेगेटिव साइन को छोड़ कर न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करेंगे इसे, तो मतलब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ गया आपका, 6 स्क्वायर यूनिट आ गया। आप किसका निकालोगे, ए बी डी का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, यस ए बी डी, एक्स वन वाई वन एक्स थ्री वाई थ्री सेम है, अब एक्स टू वाई टू ये बन गए भाई आपके, ए बी डी के लिए ये बने, तो इसके अप्लाई करो, यानी कि हाफ इंटू में एक्स वन देखो आपका क्या है, 3 इंटू में वाई टू है 0, माइनस में वाई थ्री क्या है, माइनस है तो वो प्लस का बन जाएगा, प्लस में एक्स टू क्या है आपका 4 इंटू में वाई थ्री -6, और वाई वन क्या है माइनस का ही है तो प्लस का बन गया, प्लस में एक्स थ्री पर आ जाओ, एक्स थ्री कितना है 4 इंटू में वाई वन, वाई वन है -2, और वाई टू कितना है, वाई टू आपका 0, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ से चेक करो हाफ इंटू में कितना बन गया 18, यहाँ से -4 यानी कि -16, यहाँ से -2 यानी कि -8, तो ये बना भी हाफ इंटू में 2 - 8 -6 बन गया, क्योंकि क्या रहा है -3, नेगेटिव वैल्यू तो उड़ा देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, तो क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट हो गया। किसका एरिया आ गया ये ए बी डी का, ठीक है। अब सिमिलरली किसको निकाल लो, ए सी डी का, ए वाला बच गया ना, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये बचा ए सी डी, और चेक कर एरिया ऑफ ए सी डी, एक्स वन वाई वन इसको नाम देते हो, वो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो आपकी मर्जी है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ठीक है, ए सी डी का निकाल लेना, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई टू निकालो भाई, हाफ इंटू में एक्स वन क्या है 5 इंटू में वाई टू, वाई टू आपका 0, माइनस वाई थ्री क्या है माइनस ऑलरेडी तो प्लस, तो प्लस में एक्स टू की वैल्यू क्या 4 इंटू में वाई थ्री, वाई थ्री आपका -6, और वाई वन क्या है 2 यानी माइनस का 2, प्लस में एक्स थ्री आपका 4 और वाई वन है आपका 2 और वाई टू क्या है 0, तो वाई टू 0, ये बन गया। सॉल्व कर दो इसको, हाफ इंटू में ये कितना बना 6 - 30, ये माइनस का 8 और माइनस का 30, यहाँ से 4 - 2 = 8, तो ये कितना बना हाफ इंटू में 38 - 2 = 32 यानी 6, तो क्या आ गया 3 आ गया, तो क्या वेरीफाई हो रहा है, ये कितना आया था यहाँ से 6 स्क्वायर यूनिट, ये कितना आया ए बी डी 3, और ये भी कितना आया 3, तो 3 + 3 = 6, तो यानी कि वेरीफाइड हो गया। तो ये करना था इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स, तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल से प्रूव कर दिया है, पहले तो ए बी सी का पूरे का निकाला, फिर ए बी डी का निकाला, और फिर ए सी